एक यूनाइटेड नेशंस का इवेंट कैसा होता है। इस साल हम भारत को रिप्रेजेंट करने COP27 गए। ये इवेंट इजिप्ट में हो रहा था और यहाँ हम भारत के इकलौते कंटेंट क्रिएटर्स थे। अलग अलग देशों से मीडिया, गवर्नमेंट और एक्टिविस्ट यहाँ पर आते हैं, दुनिया को बचाने के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं इस इवेंट में होता क्या है। होटल से निकलकर एक इलेक्ट्रिक बस लेकर हम पहुंचते हैं वेन्यू में, जहां इतने सारे नेचर लवर्स को देखकर अच्छा लगता है। अलग अलग देशों के ऐसे पवेलियंस होते हैं, अलग अलग रूम्स में इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इस रूम में नेगोशिएशंस होते हैं, लेकिन यहां सबको जाना अलाउड नहीं होता। न्यूक्लियर एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव, सोलर पावर प्रैक्टिकल है या नहीं, प्लास्टिक कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके डिटेल्स हमने यहां सीखे। यहां का इंडिया पवेलियन हमें सच में ब्यूटीफुल लगा। भारत एनवायरमेंट के लिए क्या क्या कर रहा है, अलग अलग स्कीम्स क्या है, ये यहां पर हमने एक इंटरेक्टिव वे में सीखा। प्लस हमारे ब्यूटीफुल कल्चर को भी यहां पर देखकर बहुत अच्छा लगा। COP27 में हमने कई सारे सेशंस अटेंड किए, लीडर्स को सवाल पूछे और दुनिया भर के नए दोस्त बनाए। यहाँ पर हमने क्या क्या सॉल्यूशंस सीखे, जानते हैं अगले वीडियो में।